फिर एक एक फुलका अभी भी खाना खा लिया तो अभी हम जा रहे हैं वे टू भद्रवाह। कैसी फील आ रही है घर जाने की? बहुत अच्छी। अच्छी तो चलो गाइस अभी यहाँ से जाना है ऊपर की तरफ, हमें एकदम राजी है ये। अब हमें इसके ऊपर घूमना है, मतलब कि ये आगे से यू टर्न लेके वापस इसके ऊपर से होके घूम के वापस दिखाना पड़ेगा। ऐसे ये रहा फास्ट है, ऐसे छिपाल। अभी फर्स्ट टनल आ गई है यहाँ पे, क्योंकि ये छोटी सी टनल है, इसके आगे 5 टनलें ऐसी हैं जो लंबी लंबी हैं। चलते हैं माथा टेकने। और ये रहा नाशरी टनल, इसकी सेम कॉपी ना अटल टनल पे बनाई गई है। और ये बुत देखो, गो एंड स्लो, ये बुत बनाया। यहाँ पे मुझे लगता है गाड़ी उल्टी हो गई है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे सवारी थी, इसमें कोई था। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आए हो सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज के दिन की हमारी शुरुआत हो रही है रूम से, क्योंकि सुबह से उठे थे, पहले नहाया, फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट की, उसके बाद अभी थोड़ा सा रेस्ट के लिए, मतलब कि रूम शूम सेट कर रहा था, लेकिन रूम पूरा तो नहीं सेट हो पाया, सिर्फ एक ही रूम सेट हो पाया। और अभी मुझे भद्रवाह के लिए निकलना है, तो दूसरा रूम तब सेट करेंगे जब वापस आएंगे, क्योंकि वो भी आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या सेट हुआ है। तो अभी जैसे कि ये मैडम जी का बेड रेडी हो गया था पूरा, रात को ही कर दिया था। गुड मॉर्निंग। और बाकी सामान नीचे पड़ा, इधर भी और इधर भी। तो बाकी रूम अपना ये ला कुछ ऐसे सेट कर दिया है, छोटा सा रूम है लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है। ये बालकनी है बाहर की तरफ, बाकी यहाँ पे ये मिरर लग गया अपना, और यहाँ पे आराम से खड़े होकर ब्लॉग शूट करो, कुछ भी करो तो कर सकते हैं। इसका मिरर साफ करने वाला है, बाकी यहाँ पे वॉशरूम है, और साथ में ये है अपना जो रूम अभी सेट करने वाला है। ये बैग पड़ा है, ये बैग पड़ा है, वो शूज़ का वो रैक पड़ा है, और ये वॉशिंग मशीन और फ्रिज है, बाकी ये सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसको सेटल करने वाला है। किचन का थोड़ा सा रात को सेट किया था, बाकी सेट हो नहीं पाया, क्योंकि बाकी करेंगे जब वापस आएंगे तब। तो अभी का ये किचन मैं फटाफट शेव कर लेता हूँ, हाथ लिया था लेकिन अभी शेव करनी पड़ेगी, शेव करके निकल दें तो रेडी होते हैं फटाफट, क्योंकि निकलना है। तो अभी का टाइम बच चुका है, कितने टाइम हुआ है, 11 बज चुके हैं, तो रेडी होते होते निकलते निकलते 12 बज जाने, तो 12 बजे निकलेंगे तो मस्त शाम को 5 बजे तक पहुंचेंगे हम भद्रवाह, तो निकलना तो जल्दी पड़ेगा। तो चलो करते हैं दिन की शुरुआत माता रानी जी का नाम लेके, बोलो जय माता दी। तो फाइनली गाइस अभी हुए रेडी, क्योंकि रेडी होना थोड़ा शेव करने में और ड्रेस चेंज करने में और पैकिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया, और अभी हो गए रेडी एकदम। मैं तो रेडी हुई, ये भी रेडी हो गए, क्योंकि ये इनके ड्रेसअप ही वैसे हैं कि जो आपको दिखेगा कि सारे मैचिंग मैचिंग हैं, लेकिन सारे कलर्स ही ऐसे हैं, रेड, मैरून, मजेंटा, गाजर, कौन से कलर हैं, सब हैं। अभी तो इनकी सब कुछ मेकअप शेकअप हो गया, बाकी ये वाले जो सामान था वो सेट कर दिया अपना सारा, ये वाला बैग हमने लेना है, तो बाकी कुछ सामान सारा सेट कर दिया ये वाला रूम वाला, बाकी तो अब देखते हैं, चलते हैं अभी निकलते हैं क्योंकि लेट ना हो जाए। और अभी का टाइम बच गया है 12:20, तो मतलब 10 मिनट और लग जाएंगे हमें यहाँ से निकलते निकलते, तो 10 मिनट में निकलना है फटाफट, क्योंकि अभी लेट नहीं होना, तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा लेकिन अभी निकलेंगे तभी। तो जनाब थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि आपने दादी दादू के पास भी जाना है, तो लेट हो जाएंगे थोड़ा, ठीक है ना। इनका मेकअप ही नहीं खत्म हो रहा यार आधे घंटे से, पूरा आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। तो चलो निकलते हैं अभी। अभी रूम से निकल गए हैं और अभी मैडम जी रेडी होके बैठ गए, अभी पहुँचे मेन रोड पे, अभी यहाँ से जाना है दादीगर, दादीगर से होके फिर निकलते हैं हम घर की तरफ। तो भाई साहब क्यों, कैसी फील आ रही है घर जाने की? बहुत अच्छी। अच्छी तो चलो गाइस अभी यहाँ से जाना है ऊपर की तरफ हमें, तो पहले दादी घर पहुँचते हैं, उनको मिल के फिर निकलते हैं वहाँ से घर पे, लेकिन इनको बाहर लॉक कर दिया दादी, इसके अभी खोल नहीं रहे गेट इनका, खोलेंगे कोई बात नहीं, खोल देंगे अभी। आ रहे हैं दादी, अभी घर पर पहुँचे, गेट लॉक है, अभी गेट खुल नहीं रहा, तो आ गए दादी। तो दादू से मिल लिया, अभी जा रही है दादी से मिलने।
एकदम राजी है ये। फाइनली गाइस दादू दादी से मिलके बड़े दिन के बाद मिली, मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि अपनी घर की यादें ताजा मिली, मतलब कि काफी सालों से 20 साल से मैं इधर ही रह रही हूँ दादू दादी के पास, तो फाइनली मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने खाना भी खाया, ऐसे जाने नहीं दे रहे थे, कहते ऐसे नहीं जाना बिना खाए हुए, तो फिर एक एक फुल्का भी हमने खाना खा लिया। तो अभी हम जा रहे हैं वे टू भद्रवाह, भद्रकाशी। तो हम जा रहे हैं भद्रवाह अपने माई होम टाउन, देखते आगे क्या क्या फुल इंजॉय करेंगे। आई होप सब कुछ अच्छे से हो, बढ़िया हो और इंजॉय हो। और इस बार ना आपको भद्रवाह अच्छे से दिखाया जाएगा, मतलब कि टाइम है हमारे पास, इस बार छुट्टी भी है तो इस बार सोचा हुआ है। है हमने अभी हमें हमारे साथ घूमने के लिए बंदा भी हमने रेडी कर लिया वहाँ पे जो हमारे साथ साथ जाएगा, ये शॉर्ट अच्छे अच्छे लेगा भी और अच्छी अच्छी जगह भी बताएगा, देखते हैं। बाकी तो सौरभ ने बोला था कि The must visit the Saas Valley Resort. वो तो देखेंगे ना, अगर रुकेंगे तो जाना है, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हमें घूमने जाना है तो हम घूमने का पूरा दिखाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सी फेमस जगह है वहाँ पे, हर चीज देखने को मिलेगी आपको। Yes. तो चलो अभी मिलते हैं आपको रास्ते में, अभी तो यहाँ पे जाम ही दिख रहा है आगे मुझे। सरवाल वाली रोड जो है उसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, जानीपुर वाली साइड से। हाँ, अम्फाले पहुँचने वाला हूँ, अम्फाले से थोड़ा सा पीछे होंगी, लेकिन यहाँ पे जाम पे रुकेंगे तो फिर हम आपको बताते जाते हैं। आई होप हम 5 बजे तक, 5:30 बजे तक घर पहुँच जाए, तो मिलते हैं हम आपको। अभी का टाइम है 1:15। तो मिलते हैं। सो फाइनली गाइस हम नगरोटा पहुँच चुके हैं और 1:30 बजे, कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं, एकदम रोड भी अच्छी हुई, अभी तो अच्छी आगे भी अच्छी। मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। यस, तो आगे भी हम जल्दी पहुँच जाएंगे, हम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आराम से आगे पहुँचते हैं। तो गाइज घर से निकल गए थे, लेकिन एक चीज मैं भूल गया कि वो था फास्ट टैग, क्योंकि इस गाड़ी में ना फास्ट टैग नहीं था, क्योंकि ये गाड़ी चलती है पुलिस वालों के हाथ में, तो फिर पुलिस वालों को फास्ट टैग की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमें जरूरत पड़ती है। तो अब चक्कर ये हो गया कि अब मैं टोल प्लाजा से पहले पहुंचने वाला था, तो मुझे याद आई तो मैंने पूछा, तो कहते हैं कि फास्ट टैग नहीं है गाड़ी में, तो मुझे ना अभी नया फास्ट टैग लेना पड़ा। ये रहा नया फास्ट टैग, क्योंकि ये चिपकाना नहीं है गाड़ी पे, ये सिर्फ रखना है और जब जरूरत पड़ेगी तब दिखा देना है वहाँ पे और निकल जाना है हमने, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रिचार्ज हो चुका है। और दूसरा आप देखते हैं पहुँच के कि फास्ट टैग ये एक्टिवेट तो हो चुका है, ये तो बोल रहे एक्टिवेट हो चुका है, आप वहाँ पे जाके देखते हैं, हर जगह फास्ट टैग वाले चल रहे हैं। और यहाँ पे ना साइड पे यूनिवर्सिटी का काम लगा पड़ा है शायद, तो IIT IIM वो दोनों का काम ये चल रहा है साथ साथ ही। ये बना IIM, ये IIM का गेट है और IIT का हमने पीछे छोड़ दिया है। तो भाई नगरोटा डेवलपमेंट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी पहुँचे हम 1 टोल प्लाजा से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पे एक चीज़ दिखाने के लिए मैंने आपको वो फ़ोन को ऑन किया है। यहाँ पे ना एक फ्लाईओवर टाइप बनाया हुआ है जो कि यू टर्न लेके बनाया हुआ, और क्या खतरनाक अमेजिंग रोड बनाई है यार बंदे ने, मतलब हम पहले ही जाते थे, पहले मैंने आपको इतना ध्यान से दिखाया नहीं होगा और आज दिखाता हूँ, क्योंकि अभी आगे से ना इन्होंने पूरा मोड़ बना दिया है, मतलब यू टर्न होता है ना पूरा गोल घुमा के इसके वापस इसके ऊपर चढ़ा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। अगर ये वाला अब हमें इसके ऊपर घूमना है, मतलब कि ये आगे से यू टर्न लेके वापस इसके ऊपर से होके घूम के वापस जाना है, वो भी आपको दिखाऊंगा ऊपर से जाके। ये वाला वो पूरा यू टर्न है, मतलब पूरी गाड़ी एकदम से यू टर्न, और स्पीड में मतलब ये भी नहीं होगा कि आपकी स्पीड कम होगी या कुछ होगा, पूरी स्पीड में देख लो मेंटेन स्पीड होती है गाड़ी की, जो एक स्पीड चल रही है उसी स्पीड में गाड़ी चढ़ रही है पूरी, और ये वापस में उस टर्न के ऊपर चढ़ गया, मतलब कि हार्डली मुझे 20 सेकंड्स भी नहीं लगे और 20 सेकंड में मैं इसके ऊपर आ गया। अब ये आप देखोगे तो यहाँ से नीचे वो खाई है, मैं फ्लाई के ऊपर और यहाँ पे ना एक व्यू पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, सारी दुनिया यहाँ पे आती है और अभी भी गाड़ी यहाँ पे लगी पड़ी है। गाड़ियाँ बहुत सारी, कोई नहीं आते वक्त खिला देंगे, लेकिन हम आपको आगे खिलाएंगे मैगी, अभी ना टेंशन नहीं करना। पहुंचे हैं टोल प्लाजा तो भी, और जाम देखो, जाम भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है। और आप मुझे ना ये वाला ऐसे करके दिखाना पड़ेगा,
ऐसे वीर है, फास्ट है, ऐसे छिपा देता हूँ उसको यहाँ पे और वहां तक चल जाएगा, वापिस उतार के नीचे ले आएंगे इसको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलो अभी देखते हैं कितना जाम, अभी कम से कम हमें 10 मिनट लगने हैं यहाँ पे जाम में। और यहाँ के रूल्स हैं, अगर 2 मिनट से ऊपर आप टोल प्लाजा, 3 मिनट से ऊपर टोल प्लाजा पे रुकोगे तो टोल नहीं देना आपने। पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे यहाँ। खानी नहीं खानी, टोल प्लाजा पे फंसे हुए हैं और यहाँ पे देखो फ्रूट वाली गाड़ी है, उसके ऊपर मंकी एक ही बार चढ़ी, सब्जी फ्रूट मिक्स है, उस गाड़ी को ना चारों तरफ से बंदरों ने घेर लिया है और उसके ऊपर चढ़ गए हैं और पूरे का पूरा। आपने क्यों शीशा बंद कर लिया है? ये इधर ही बैठा है, ये देखो इसकी बात, ये बेचारे की तो आधी सब्जी यही खा जाएंगे यहीं पे। वो देखो मटर निकाल रहा है, इस साइड मटर निकाल रहा है, उस साइड से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, वो दोनों साइड पे लगे हुए। तो गाइज पूरे 20 मिनट लगे हमें टोल पे, और टोल से निकलने के बाद अभी फर्स्ट टनल आ गई है यहाँ पे। ये छोटी सी टनल है, इसके आगे 5 टनलें ऐसी हैं जो लंबी लंबी हैं। तो ये जो NH1 ने ना बहुत सही काम किया हुआ है कि ये टनलें निकाल के रास्ता बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, और उसकी वजह से ना यहाँ से लेकर उस पार तक 5.5 किलोमीटर है। और मानोगे कि जो पहले रास्ता होता था वो कम से कम भी 1.5 घंटे का रास्ता था नीचे से, जिसको इन्होंने पैच को कवर कर दिया है। और अभी ये रास्ता मतलब एक टनल हमने पार कर ली है, अभी आगे दूसरी टनल आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फिर जाके हमने बाहर निकलना है उस साइड नंदनी के, उस साइड बाहर की और इन पहाड़ियों के पीछे निकलना है। तो समझ लो कि अब पुंछ वाली रोड भी ऐसी ही बन रही है, जब वो कम्प्लीट होगी तो वो भी ऐसी दिखेगी आपको कुछ। और ये रही सामने टनल, इसको टर्न दे दिया डाइवर्शन, ये पुल बना हुआ है, इसको डाइवर्शन दे के सामने 2 टनलें बनी हुई हैं, बस एक आने की और एक जाने की, पूरी डबल लाइन वाली। और ये रही वो टनल दूसरी, और यहाँ पे कुल मिला के शायद 5 टनल्स हैं। ये टनल आ गई, ये वो टनल है, इसमें अभी लाइट का काम जारी है, शायद काम चल रहा है। और ये मोड़ टर्न करेंगे, उसके बाद थर्ड टनल आ जाएगी। और ये आ गई थर्ड टनल, इसमें तो लाइटों का भाई बम्बार किया हुआ इन्होंने, इसमें तो लाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिट सिट सिट, ट्रक वाला जा रहा है अपनी स्पीड में नॉर्मल। और ये रही सबसे लास्ट टनल, मतलब 3 बसों को क्रॉस कर लिया मैंने, उसके बाद ये सबसे लास्ट टनल है और सबसे लंबी टनल है। ये पूरी 1 किलोमीटर लंबी टनल है। और फाइनली हम टनल कर गए पार, वो भी हार्डली 3 मिनट में, मतलब 3 से 4 मिनट में हमने टनल पार भी कर ली है। मानोगे पहले यहाँ पे 1.5 घंटा लगता था, 1.5 घंटा और 4 मिनट में बहुत फर्क है, मतलब बहुत फर्क है। क्या चीज बनाई है भाई, गढ़ लाजवाब, ऐसी पुंछ वाली रोड भी बन गई तो समझ लो कि नज़ारा है। और सामने आपको वैष्णो माता की पहाड़ी दिख रही होगी, कटरा वैष्णो माता, ये सामने आ गई पहाड़ी को। और गाइज अभी पहुंचे हैं हम दुमेल, यहाँ पे ये पंजाबी हवेली, हवेली आ गई पंजाबी हवेली, ये रही पंजाबी हवेली। यहाँ की कुछ डेकोरेशन ना इस कदर होती है पंजाबियों की तरह आन शान। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मैड ग्लैड 2.0। और उसके बाद यहाँ से आपको दिखाता हूँ अभी वैष्णो माता की पहाड़ी, पूरे दरबार यहाँ से दूर से दिखता है। तो देखते हैं वापस आके, वहाँ पे भी जाना है, वहाँ के भी दर्शन करने हैं हमने। यहाँ से रास्ता अलग हो जाता है वो एक, और दूसरा नीचे से मेन। और ये रही सामने पहाड़ी वैष्णो माता की, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी पेड़ आ गए, और ये सामने आपको दरबार दिख रहा होगा, ये है अर्धकुंवारी का भवन, ये वाला। गाइज अभी पहुंचा मंथल, ये है मंथल, ये है रेलवे ब्रिज जो कटरा को कनेक्ट करता है, रेलवे ब्रिज। और यहाँ पे मंथल में ना मतलब एक तो लोग जम्मू से नॉनवेज खाने यहाँ पे आते हैं यार, वैष्णो ढाबा भी है यहाँ पे, बहुत मस्त वाला ढाबा है, यहाँ पे आते हैं लोग खाने। यहाँ पे एक माता का मंदिर है, काली माता का है शायद, ये चंडी माता का है, लेकिन यहाँ पे जाएंगे माथा टेक के तो निकलेंगे फिर यहाँ से। ये रहा वो मंदिर, हमारे से पहले ट्रक जा रहा है।
ये रहा वो मंदिर, चलो चलते हैं माथा टेकने। और ये रहा उधमपुर सिटी, ये चला गया अंदर रास्ता और हम जा रहे हैं सीधा भद्रवाह के लिए, क्योंकि हमने अंदर नहीं जाना, हमें बारो बार जाना है। और ये पूरी उधमपुर सिटी है, आगे पीछे जो भी दिख रही होगी चारों साइड आपको। और यहाँ से जो नीचे से रास्ता होके एक जाता है रामनगर को, वो ये रास्ता जाता है इस साइड, रामनगर इस साइड पड़ गया, सामने चला गया चनैनी उधमपुर आगे वाला और चनैनी, और वो सामने पहाड़ी हमने क्रॉस करके परे जाना है, जो लास्ट पहाड़ी दिख रही होगी आपको यहाँ से। आप मुझे नहीं लगता कि आपको दिख रही होगी साफ, लेकिन मुझे दिख रही है यहाँ से कम भी 70 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जो पत्नीटॉप वाली और नथाटॉप वाली पहाड़ी है, उसको पार करके हमने जाना है, लेकिन हमने टनल के अंदर से जाना है। और ये रहा उधमपुर सिटी, ये पूरी उधमपुर सिटी है। अब सिटी तो हम जा नहीं सकते क्योंकि लेट हो जाएंगे इस चक्कर में, अंदर जाके भी क्या करना हमने, हमारे को काम नहीं है। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं, आगे साथ में चाय पीते हैं, साथ में मैडम जी को ना नेल पेंट्स लगानी है, कहते हैं नेल पेंट्स लगाते हैं, मैंने कहा ठीक है रुकते हैं फिर यहाँ पे, तो नेल पेंट्स भी लगा लेना आप। बिल्कुल सही, चलो आपके लिए रुकना पड़ेगा हमारा ही, आपके लिए तो जा रहे हैं, आपके लिए नहीं रुकेंगे तो किसके लिए रुकेंगे। यस, ये रहा सैलें सलान, क्या जगह का उधमपुर का नाम है यार, रहा हूँ 2 साल लेकिन पता नहीं अभी। तो गाइस अभी चनैनी पहुंचने वाले हैं, लेकिन चनैनी तो पहुंचने वाले हैं, ट्रक वालों ने ना एक दूसरे की पूरी बैकअप में वो लेके जा रहे हैं, मतलब एक दूसरा पूरा जॉइंट करके, साइड ले लो, अब साइड दी इन्होंने बड़ी मुश्किल से, दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं बराबरी पे पूरी। जब तक मैं फोन को ऑन करता तब तक उसने अपने वाले एक वाले ने खींच लिया। और ये यहाँ का कुछ व्यू है ऐसा, मतलब ये अब चनैनी हम पहुंचने वाले, तो ये समरोली आ गया पूरा कम्प्लीट ये वाला। एक बार यहाँ पे मैं बराती आया था, बड़ी दूर पीछे वहां पे गया था, वो पहाड़ी दिख रही होगी आपको लास्ट वाली पहाड़ी बीच वाली, उस पे एक फ्रेंड की शादी थी, वो शादी नहीं बोलती मुझे कभी भी है, वो शादी नहीं बोलती भाई, वो फ्रेंड तो अभी कटरा में जॉब करता है, लेकिन अगर वो भी व्लॉग देख रहा होगा उसको भी पता होगा, हंसने लगेगा कि उसकी शादी में हम कहाँ गए थे, बाई गॉड यार कहाँ यार, उसने बरात लाई थी वहां से पैदल, मतलब ऊपर से पैदल लाई थी, मैं हम इधर से गए थे, लेकिन पैदल चल चल के ना मतलब बस हो गई, बरात किसने खाई, बरात के तो होश ही नहीं रहे, उधर पहुंचते ही बुरी हालत। तो चलो अभी अब तो नहीं जाना ऐसी बरात में कभी भी जहां पैदल चलना पड़े इतनी दूर, वो भी 5 घंटे। तो अभी ये चनैनी की थोड़ी सी बाहर वाली मार्केट है जहाँ पे स्वीट्स ये वो मिलती हैं, और अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे चनैनी। अब यहाँ से अंदर हो जाना है, मैंने टनल दिखाता हूँ फिर आगे आपको। तो फाइनली गए चनैनी इन कर रहे हैं अभी, ये रहा चनैनी, चनैनी है ये, चनैनी चला गया नीचे सिटी बाजार जो कहते हैं, सिटी और बाजार। और ये रहा हमारा सामने, वो जो सामने आपको रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये जाता है पत्नीटॉप को हमने, और वो सामने ऊपर जो पहाड़ी के एंड पॉइंट है ये वाला, ये है नथाटॉप, मतलब नथाटॉप इसकी बैक साइड पे जाता है लेकिन ये उसी में आता है नथाटॉप में। वो सामने रोड दिख रही होगी आपको, रेलिंग हुई है वहां पे, अब इतनी दूर से दिख रहा होगा तो। और ये रहा नाशरी टनल, अब जिस टनल में हमने एंटर करना है, जैसे एंटर करूंगा मैं आपको बताता हूँ अंदर पहुंचते ही। और ये रहा नाशरी टनल, इसकी सेम कॉपी ना अटल टनल पे बनाई गई है। और ये बुत देखो, गो एंड स्लो, ये बुत बनाया स्टैचू लगा हुआ है। और ये हम हो गए नाशरी टनल के अंदर, यहाँ पे ना 2 वेज हैं, एक वे में गाड़ी आ रही है और एक वे में जा रही है, बस सिंगल सिंगल। और अभी उस टनल के उस पार पहुंचेंगे तो फिर बताएंगे, क्योंकि हमें 15 मिनट्स लगने हैं, पूरे 15 मिनट लगने हैं। तो फाइनली गाइस टनल हुई खत्म, मतलब कि लंबा सफर और लंबी टनल दोनों। और अभी हम टनल के इस पार हैं, और पूरे 9 किलोमीटर टनल है ये, पूरे 9 किलोमीटर कोई कम नहीं है। और अभी हम टनल पार कर चुके हैं, और ये रहा चनैनी क्रॉस करके हम नाशरी टनल पार करके पटौद में अब एंटर करते हैं। और ये आता है पटौद के अंडर, और ये सामने राइट साइड पे आपको पटौद दिखेगा, और ये सीधा रास्ता जो जाएगा ये श्रीनगर को जाएगा। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं, वॉशरूम होके आते हैं, पटौद ये है पटौद सिटी, छोटी सी सिटी है,
लेकिन अभी इसकी ना बैक साइड पे सिटी है, मतलब जो सही है, और यहाँ पे ये ऊपर वाला जो एरिया पोर्शन देख रहे हो ये पत्नीटॉप के अंडर आता है ये वाला पूरा, और वहाँ से नथर आपको रास्ता जाता है ऊपर से, और ये है पूरा बटोत। और यहाँ पे भाई साहब बाहर तो निकला हूँ मैं फोटो लेने के लिए, ठंड इतनी है कि मेरा नाक लाल हो गया, इधर देखो सच में यार क्या ठंड नहीं है, आप कह रहे जैकेट चाहिए, नहीं बोला देखा जो लड़कियों ऐसी कौन सी सर्दी लगती है, मैं बाहर निकला लेकिन मेरी तो बहुत बुरी हालत हुई है, तो अब मैंने शीशे देख लो पूरे पैक रखे हुए हैं, मतलब शीशे खोल ही नहीं रहा, इतनी ठंड है यहाँ पे, और ठंड तगड़े वाली है क्योंकि सूरज उतर गया है, और अब ठंड तो होगी होगी ये तो पता ही आपको, वैसे भी ये एरिया कैसा है, बाकी यहाँ बर्फ पड़ती है तो पेड़ देख सकते हो कि जैसे वो पतझड़ में पेड़ उतर जाते हैं सब कुछ हो जाता है, वैसा हो गया हुआ अभी। अच्छा तो अभी देखते हैं जब पहुंचते हैं आगे। फाइनली गाइस हमने बटोत सिटी में एंटर करने, एंटर नहीं खत्म हो गया, हमें जैसे आगे बग्गर आएगा, और ये रहा हमारा पुराना वाला रास्ता, जो इस रास्ते से पत्नीटॉप के रास्ते से जाते थे जब टनल वगैरह नहीं होते, बहुत ही लंबा रूट था, तो ये हम आ गया बग्गर के लिए क्रॉस कर दिए, फिर बग्गर पहुंच के हम कुछ पेट पूजा करेंगे, और ये देख सकते हो किसी की बारात भी जा रही है, और ये ट्रैफिक लग गया यहाँ पे, मुझे लगता है गाड़ी उल्टी हो गई है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ सवारी थी इसमें कोई था ये, यहाँ पे तो रोड भी एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट मुझे लगे हमारा बटोत का मंदिर, ये बड़ा पुराना मंदिर है यहाँ का ना, मेन रोड में ही, यहाँ पे भी बहुत अच्छा, बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पे है ये नीचे, बिल्कुल नीचे देखना मना है, हाँ, और हम दिखाएंगे भी नहीं, हम सीधे आपको बग्गर में मिलते हैं। तो गाइस अभी पहुंचे हैं बग्गर में, तो अभी यहाँ पे रुके हैं, थोड़ी सी भूख लगी थी, मैंने कहा क्या खाएं, फिर मन आया कि मैगी, क्योंकि पता ही है ट्रैकिंग में मैगी सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है, क्यों तो मैगी और चाय बोली है। तो अभी पहुंचे बग्गर, ये है बग्गर, अभी जहाँ पे जो स्पेशल कहते हैं कि राजमा चावल मिलते हैं यहाँ के, वो यहाँ पे बस, ये जहाँ पे बलैरो लगी है ये आगे गाड़ी मेरी उंगली के सीधे बस के लेफ्ट साइड पे है, और हम जहाँ से खाते हैं वो ये है, क्योंकि अंकल की ना बहुत सही मैगी बनाते हैं हर बार, और आज भी यहीं पे रुके, और यहाँ का मौसम देखो यार, और बाहर इतनी ठंड लग रही है ना, मतलब हद से ज्यादा, हर बंदे ने जैकेट डाली हुई है और तब भी ठंड लग रही है इतनी, तो हम तो हैं ही शॉर्ट में अभी, तो मैंने जैकेट डाली नहीं, तो अभी ये भी तो गाड़ी में तो पता नहीं चलता, क्योंकि गाड़ी में दोनों का नहीं पता चल रहा, तो अभी खाते हैं तो निकलते हैं यहाँ से, फिर जब घर पहुंचेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है क्या नहीं, बाकी रास्ते में जो जो दिखेगा अंधेरे से पहले पहले वो हम आपको दिखाएंगे, बाकी आते हुए दिखा देंगे, तो बाकी कल का तो स्पेशल होगा, कल कहीं घूमने जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी गाड़ी ऑन है, पर ये कि स्टार्ट नहीं है, बंद है, लेकिन अंदर बैठने का जो मजा है ना, गाड़ी एकदम गर्म है, एकदम गर्म, तो चलो आएगा वो। हम खलानी जो न्यू टनल बन रहा है, खलानी में टनल, वहाँ पे पहुंच चुके हैं, और इसका ना बाहर वाला वो सीरा भी तैयार करके साइड में वो बनाते हैं ना रहने के लिए, वो बना दिया। अच्छा, और ये रही टनल, ओ यार वाह, ये तो रेडी हो गई है, तो बिल्कुल सीधी है, एकदम स्ट्रेट टनल, स्ट्रेट ही होती है बिल्कुल, कुछ होती है ना मोड़ इधर उधर होते हैं ना, लेकिन इसका तो स्ट्रेट ही है। लेकिन डोडा सिटी अभी आपको सिर्फ सिटी दिखेगा, बाकी तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, और अभी का टाइम हुआ है 6:06, तो अभी से यहाँ से टाइम लगेगा हार्डली आधा घंटा और। गाइस ये सामने आप लाइट्स छोटी छोटी देख रहे होंगे जो पुल के ऊपर लगी हुई है, ये है गणपत पुल, डोडा का गणपत पुल जो मेन बना हुआ है, ये वो है ये वाला जो आपको लाइटें दिख रही होंगी, और हमने यहाँ से हो जाना, बारो बार हमने डोडा अंदर नहीं जाना, क्योंकि अगर अंदर जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम बारो बार हो गए, और वो गणपत पुल रह गया नीचे, और ये रोड जो अभी बन रही है रिसेंटली, ये वो वाली रोड है। फाइनली गाइस हम अपने होम टाउन घर पहुंच चुके हैं, अभी तो अंधेरा है कुछ दिखेगा नहीं, तो सुबह उठ के सब कुछ आपको सारे व्यूज वगैरह दिखाते हैं, और हमारा मंदिर भी, टेंपल मंदिर जो है जहाँ पे हम जाते हैं, तो वो भी हम आपको सुबह दिखाएंगे, तो अभी हम गाड़ी लगाते हैं साइड पे, तो जाते हैं हम अपने घर, ये रहा घर,
अभी तो दिखेगा नहीं, अभी तो अंधेरे में नहीं दिखेगा, लाइट भी नहीं है।